विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व रविवार को एक निजी होटल में एक संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पर्यावरण को लेकर चिंता प्रकट की गई। वायु प्रदूषण को लेकर शरीर पर होने वाले प्रभाव पर विस्तार से बताया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल, डॉक्टर मुमताज खान, डॉक्टर गोविंद पांडे, डॉक्टर अश्विनी मिश्रा, विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रत्नेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर और पर्यावरणविद मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयोजक डॉक्टर बी एन अग्रवाल ने कहा, बुरी है तो हम लोग अच्छा मानते हैं, गुड। इसको हरे रंग से दर्शाया गया है इसमें। अब ये देखिए, इंडिया में अगर हम लोग हरा रंग खोजते हैं तो केवल दो जहां दिखता है, यानी केवल दो एरिया की हवा बिल्कुल इतना ही एक्यूआई अनहेल्दी है। 151 से 200 ये सबके लिए अनहेल्दी है, 201 से 300 वेरी अनहेल्दी, और 300 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो 1000 जैसे। और इंडिया में आप देखिए, दो सिटी वाइज अगर हम देखते हैं, हाईएस्ट स्मॉग पार्टिकुलेट मेजरमेंट इन द वर्ल्ड PM2.5 के बेसिस पे अगर इसको मेजर करते हैं तो इंडिया बुजुर्गों पे क्या है, चिल्ड्रंस पे क्या हो रहा है, बस टैक्सी ड्राइवर हम देखते हैं 3 गुना ज्यादा और प्रदूषण से जिम्मेदार हैं। ये प्रदूषण कूड़े करकट जलाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं, चिमनियाँ हैं, इन सबसे जंगलों में आग लग जाती, नेचुरल फायर हो जाती, इससे प्रदूषण होता है। कौन करेगा ये सब, स्वयं हम ही को करना है। इकोनॉमिक फिट सब आपके पुरोजनों ने पेड़ लगाए, क्या हम इस प्रथा को आगे बढ़ाएंगे? अब आगे क्या किया जा सकता है? अब ये देखिए, लास्ट में ये माई नेक्स्ट मर्सिडीज, अगर हम लोग नहीं सुधरते हैं तो बैलगाड़ी युग में हमको पुनः जाना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। और हो सकता है, थैंक यू। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विश्व के तमाम शहरों का और भारत के भी तमाम बड़े शहरों का जो वायु प्रदूषण का स्तर है वह हम सबको दिखाया। हम लोग गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में एक परियोजना राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है, जिसका प्रधान निदेशक संयोग से मैं ही हूँ। और ये परियोजना विगत कई वर्षों से चल रही है और भारत सरकार की ओर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको संचालित करता है। हम लोग वर्ष 2011 से गोरखपुर में इस परियोजना को संचालित कर रहे हैं और शहर के 3 इलाकों में, एक तो आवासीय जो क्षेत्र है उसमें एक मॉनिटरिंग स्टेशन हम लोगों ने लगा रखा है अपने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में। आवासीय क्षेत्र के आंकड़ों की मॉनिटरिंग वहां से करते हैं। जो आवासीय या व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र में मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, उसके सापेक्ष हमारा जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ 125 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, पिछले महीने के आंकड़े हैं, ये औसत आंकड़े हैं। व्यावसायिक क्षेत्र जो गोलघर है, जो मानकों गोलघर पर की है, वहाँ ये 218 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और वहाँ हीरा औद्योगिक क्षेत्र में ये 239 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, 60 माइक्रोग्राम प्रतिमीटर के साथ में छुए आंकड़े। तो तीनों स्थानों पर मानक से कहीं अधिक हम लोग RSPM का सामना कर रहे हैं। और SO2 की बात करें तो SO2 अभी शहर में मानक के अंदर है, खासकर के आवासीय क्षेत्र में तो कम है, 9 माइक्रोग्राम प्रतिमीटर के आसपास है। और व्यावसायिक क्षेत्र में करीब 14 के आसपास है, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ 39 के करीब पहुँच गया, 39.9 के आसपास है। और हो सकता है कि कुछ ही समय बाद वो भी मानक से अधिक हो जाएगा, उसका मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है जो औसत मानक है। NO2 हमारे
व्यावसायिक और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों मानक से अधिक रहे, और हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो वर्गीकरण है वो तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है वही हमारे यहाँ भी लागू है। दिल्ली है, गुरुग्राम है, वहाँ क्या होता होगा, या राजस्थान है वहाँ क्या होता है, जहाँ दूर उत्तर जंगल का नामो निशान नहीं है, जैसे दिल्ली है या गुरुग्राम है या राजस्थान है जहाँ आप चल दीजिए तो फिर डायबिटीज और लीवर के डिजीजेज में भी एयर पोल्यूशन का इम्पोर्टेंस सामने आने लगा है। अब वो कैसे होता है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं 2.5 माइक्रोग्राम माइक्रोमीटर से नीचे वाले पार्टिकल्स जो होते हैं ये लंग के थ्रू ही पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और ये धीरे धीरे जो आर्टरीज और वेंस होती हैं जो ब्लड की जो धमनियां और शिराएं होती हैं उनमें डैमेज करना शुरू करते हैं और ऐसे पार्ट बन जाते हैं, तो धीरे 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 ये एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि एक मरीज अगर 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो एक्यूटली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से अफेक्टेड। मैं डॉक्टर वी एन अग्रवाल, चेस्ट फिजिशियन, बेतिहाता, गोरखपुर। पर्यावरण में काफ़ी तरह के प्रदूषण आजकल फैल रहे हैं, पहले से आ रहे हैं लेकिन इसकी बहुत तेज़ी से हम देख इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। हर महीने गोरखपुर जैसे शहर में 8,000-10,000 नए वाहन आ रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास आवश्यक है लेकिन पर्यावरण की कीमत में विकास बहुत उचित नहीं लगता है, इसीलिए हम देख रहे हैं। चूँकि हम लोग चेस्ट फिजिशियन हैं, हम लोग अक्सर मरीजों से डील करते हैं, जो स्थिति आज से 20 साल पहले थी, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस स्थिति में तमाम परिवर्तन आए हैं। जो मरीज पहले एक इन्हेलर लेके चला जाता था आराम से, बिल्कुल इन्हेलर लेता रहता था, अपना नियमित दिनचर्या से ठीक रहता था, आजकल वह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कारण वायु प्रदूषण है, क्योंकि वायु प्रदूषण के नाते मरीज का अस्थमा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी एक समस्या है। मरीज बार बार दवा लेता है, दवा का डोज हम बढ़ाते जाते हैं। अब मरीज को अगर हम सावधानियां बताते हैं तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि किसी मरीज को हम कहें तुम काम मत करो, तुम घर में बैठे रहो, और ये संभव नहीं है। संभव तभी है जब बाहर का वातावरण सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, जिसके लिए प्लांटेशन सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसके अवेयरनेस के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है कि हम डॉक्टर भी अवेयर हों, हमारे मरीज भी अवेयर हो, आम जनता अवेयर हो कि पौधे ही जीवन है, और आगे जीवन तभी चलेगा जब पौधे चलेंगे हमारे साथ।